अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अच्छा आज फातिमा जो है ना वो कह रही थी कि मैं नहीं हूँगी क्लास में, तो मेरा ख्याल है कि स्क्रीनशॉट तो फातिमा नहीं ले सकती। तो जरताशा है क्लास में, जरताशा बच्चे। जी मैम। अच्छा आप मुझे स्क्रीनशॉट्स लेकर ना मुझे शेयर कर दूँगी, ओके मैम। ना हो सका तो प्राइवेटली सेंड कर देना फिर जाना के यस तो इस टाइम 20 लोग हैं, तो मेरा ख्याल है 20 नहीं रहते हैं, 19-20 ऑन बोर्ड ज़्यादा जरूरी है। फिर ये है कि आप इन्हीं की अटेंडेंस देखें ना, स्टार्ट भी ले लो एक और एक जो है ना वो लास्ट भी ले लो। ओके मैम। अच्छा लास्ट लेक्चर हमारा कहाँ पे खत्म हुआ था भला, इसका 11 चैप्टर? मैम दो थे इसके, रेफरेंस ये थे बीटा इक्वल टू एन और बीटा इक्वल टू माइनस एन। हो गया था हमारा ये ना, मतलब ये रेफरेंस फॉर्मूला हमारा बन गया था जी यहाँ पे। मैम। यूँ सामान हम जो कुछ शेयर किया हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ इसलिए मुझे ये उर्दू वाले मैसेज समझ नहीं आते। आज सामान बच्चे क्या पूछ रहे हैं, एग्जाम वैसे शुरू हो गई है, जब तक पूरा देख के मुझे बताओ आप। 2 मिनट एग्जाम सुन लो फिर मैं इसको दोबारा ज्वाइन कर, मतलब ज्वाइन नहीं है लेकिन एक आवाज़ बंद कर। वो क्लास में नहीं है। अच्छा उस समय मैम क्लास में नहीं है। ये हेलो गलती से हो गया आपकी। हेलो क्लास यस मैम। जी मैम। में नहीं है उस समय? नो मैम। चलो ठीक है, जब फिर वो ज्वाइन कर ले उसको बता देना कि वो कौन सा पॉइंट से क्लियर नहीं हुआ था। मैं तो उसे कुछ अंडरलाइन किया हुआ था लेकिन मुझे उसके बाद समझ नहीं आई, मैं कहा चलो जब क्लास होगी तो उससे पूछ लूंगी। सही अच्छा अब ये है कि हम लोगों ने इसका कितना कर लिया हुआ है, मैम थ्योरम से ऊपर तक कर लिया। थ्योरम सारा हो गया था हमारा जिसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे इसकी, जिसके अंदर हम लोग अपना देख रहे थे कि इसको देख रहे, ये वाला तो समेशन फॉर्म तो होगी ना हमारे, है ना? जी मैम। हो गई। मेरा ख्याल है कुछ इसके बारे में पूछ रहा था कि ये कैसे आया, कुछ इसने इसको अंडरलाइन किया हुआ था, ये तो समझ आ गई ना A2M कैसे आया आपका। जी मैम इवन के लिए। हाँ ये इवन के लिए आ रहा है, जैसे ये 6 का निकाले हो तो 2 की पावर 6 ही आ रही है, तो जिस पे निकाल ले होगे वो 2 की पावर वही आ जाएगी। और नीचे कैसे आ रहा है, 12 कैसे आ रहा है, जो ये नंबर होगा उसको 2 पे डिवाइड कर लिख देना है। जैसे आप इसके 6 निकाल ले हो तो ये 6 को 2 पे डिवाइड करते हो तो 3 आ जाता है ना, जैसे 4 पे निकाल ले हो तो 4 को 2 पे डिवाइड करते हो तो 2 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हर जगह पे आप लोगों के पास जो है ये उसका डिवीजन बाय 2 आ जाता है। अगर 2m निकाले हो तो यहाँ से m का फैक्टोरियल आ जाएगा, इस तरह से n+1 n+2 और 2n+m तक आपके पास ये आ जाएगा। तो जिस तरह से ये यहाँ पे आ रहा है 6 है तो n+3 तक रह रहा है, इसी तरह से ये जब 2m निकालेंगे तो ये उसका जो 2 पे डिविजिबल होता है 2m को क्या रह जाता है, m तक आ जाता है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, बाकी आगे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि ये कहाँ से आया, जहाँ से हमने फ्रोबेनियस मेथड स्टार्ट किया था ना, तो चूंकि हमारे सारे ऑड इंडेक्सेस वाले जो है वो 0 हो गए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो सीरीज है उसमें सारे आपको इवन वाले नजर आ रहे हैं। ऐसे है ना?
फिर बस उसकी वैल्यू को प्लग इन कर दी। ये वाले ठीक है, इसमें देखो अगर ये इंटीजर आ जाता है गामा फंक्शन प्लस 1 इज इक्वल टू n इनटू n प्लस गामा फंक्शन 10, अगर n ग्रेटर देन 0 तो मतलब है कि ये सारे इंटीजर्स के लिए भी रियल नंबर्स के लिए भी वैलिड है ना, लेकिन स्पेसिफाई ने उसने कुछ किया तो हम ऑटोमेटिकली ये समझेंगे कि हमारे रियल नंबर्स के लिए वैलिड है ना, लेकिन ये इसमें इंटीजर्स भी आ रहे हैं तो कहते हैं अगर सिर्फ इंटीजर्स लेने हों तो फिर हम लोग इसको जो है वो रियल नंबर्स को छोड़ के जस्ट इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे ही है ना। तो आप देखो जो केस हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था जहाँ से थ्योरम, वहाँ से देखो हमारे पास क्या आ रहा है व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 0, 1, 2, 3, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम लोग इसको गामा फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ से ये जो 2n है ना, तो उसने यहाँ पे लेने के इसको रिजल्ट ये बताइए ये नॉट को लेने के। तो यहाँ से वो कहता है कि द रीजन फॉर सिलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ n इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन इज दैट n इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो अगर वो कहता है कि अगर n हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होता तो हम फिर इसकी फैक्टोरियल फॉर्म लेते हैं। तो अब यहाँ पे जस्ट देखो क्या किया हुआ है, मैंने इसको दोनों सीधे को साथ लेके चलती हूँ 5 एंड लास्ट वैल्यू। इसमें आपका जब a नॉट आ जाएगा तो देखो x n के साथ क्या आएगा अपन नजर 2 की पावर n और गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 ऐसे ही है ना, देखो जरा जी बन गया। अच्छा अब अगली वाले सीरीज के अंदर प्लग इन करो x की पावर n प्लस 2 और 2 की पावर n प्लस 2, मतलब ये 2 की पावर n प्लस 2 कहाँ से हो गया 2 की, वहां पे 2 का स्क्वायर तो ऑलरेडी था, तो जब ये a नॉट वाला जब 2 की पावर n इसके साथ मिला तो ये क्या हो गया 2 की पावर n प्लस 2, सही हो गया समझा के जी मैम? हो गया, 1 फैक्टोरियल ऑलरेडी था वहां पे, n प्लस 1 भी ऑलरेडी पड़ा हुआ था, अब आपने साथ में और क्या मिलाया इसके साथ गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 ये मिल गया यहाँ पे, सही है। अच्छा आप देख के बताओ इतने बस अभी 2 टर्म्स तक ही देखो उसको जरा, ये जो सेकंड टर्म है इसमें जो उसने लिखा है n प्लस 1 इंटू गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1, देखो अगर आपने इसको एक गामा फंक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो भला बताओ ये क्या बनेगा, किसका गामा फंक्शन बनेगा, सेकंड टर्म की बात कर रही हूं हमारा कर्सर पड़ा हुआ गामा ऑफ n प्लस 1 नहीं है n प्लस 2, n प्लस 2 नहीं होगा जी मैम, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 2 हो जाएगा। देखो जरा इस थ्योरम को दोबारा मैं लेके जाती हूं आपको, वहां इसको माइंड में बिठा लो या पेपर पे कहीं पे लिख लो। कहता है गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 बराबर किसके होता है, एक पिछले वाले पॉइंट का, ऐसे है ना, n प्लस 1 से पिछला क्या होगा n, n इनटू गामा फंक्शन ऑफ n, सही है। अगर आपने इसी को आप लोगों ने फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो n प्लस 1 ही n फैक्टोरियल के इक्वल है, मतलब एक पिछले वाले फैक्टोरियल के इक्वल है, तो ये माइंड में बिठा लो प्लीज। और दोबारा क्वेश्चन करूँ तो फिर आप लोगों ने सही इसका आंसर करना है, चलो सीरीज पे चलो जरा। अच्छा आप यहाँ से दोबारा से इसको, अच्छा आप यहाँ से देखो ये जो n प्लस 1 इनटू गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 है ये एक्चुअली क्या है आपका गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 2, ठीक हो गया। अच्छा आप यहाँ से थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म में है x की पावर n प्लस 4, इसके साथ जब a नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है तो a नॉट क्या करेगा इसके 2 की पावर में एक n ऐड कर देगा, तो यहाँ पे फिर 2 की पावर क्या हो जाएगी n प्लस 4, 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, अब आपके पास क्या क्या नजर आ रहा है n प्लस 1 n प्लस 2 ऑलरेडी है ठीक है, और यहाँ से अब आप लोगों ने जो गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 है ये बाहर से ले लिया a नॉट से, ठीक हो गया। और यहाँ से देखो अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, अच्छा आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 2 n प्लस 1 गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1, अच्छा बच्चो अब जरा ध्यान से मेरे पास सुनिए, n प्लस 2 को एज इट इज रहने दो, अब अगर ये n प्लस 1 और गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 को मैं कंबाइन करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा गामा n प्लस 2, शाबाश गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 2 ठीक है। अच्छा अब ये n प्लस 2 बाहर पड़ा हुआ है और गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 2 है तो जब इन दोनों को कंबाइन करूंगी तो वो क्या हो जाएगा गामा n प्लस 4, n प्लस 3 नहीं होगा जी मैम, n प्लस 3 हो जाएगा ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि n प्लस 2 n प्लस 1 और गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 मिलके क्या बना देगा गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 2 और सॉरी n प्लस 3, सही क्लियर हो गया
तो ये करते करते उसने यहाँ तक फिर हम पहुंच गए, लास्ट में पहुंच गए। अच्छा आप देखो ये लास्ट वाली टर्म कैसे आई है, ये लास्ट वाली टर्म, ये मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ ताकि आपको लास्ट टर्म नजर आ जाए। चलो अब ये जो आपका फाइव वाला एक्सप्रेशन समझ आ गई अब सिक्स कैसे बना, सिक्स के बाद ये जो लास्ट वाली जो आपकी ये सीरीज कैसे बनी, ठीक है ना। तब देखो कैसे बन रहा है ये ना, समेशन m इज इक्वल टू 0 से इनफिनिटी माइनस 1 की पावर m, माइनस 1 की पावर m लिखने की जरूरत उसको क्यों पेश आई, वो हमें यही से नजर आ गया था, यहाँ से जनरलाइज टर्म से पता चल जाता है ना, कुछ को हमें जनरलाइज टर्म से पता चल जाता है। अच्छा तो वो हमारे पास वो कहता है जब जीरो लगाओगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, अगर ये ऑड पावर होती जाएगी तो ये नेगेटिव होते जाएंगे, ये साइन की बात कर रहे हैं, अगर इवन होता जाएगा तो ये प्लस होते जाएंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म में ये साइन हमारा चल रहा है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, ये वाला जो टू है नीचे वाला और जो पावर एक्स की पावर में आ रहे हैं दोनों को उसने कंबाइन किया। देखो जरा अगर आप नोट कर रहे हो, इस एक्स की पावर भी वही है जो इस टू की पावर है, इस तरह से यहाँ पे इस एक्स की पावर भी वही है जो यहाँ पे इस टू की पावर है, यहाँ पे इस एक्स की पावर भी वही है जो यहाँ पे टू की पावर है, ठीक है। जो इस एक्स की पावर लास्ट वाले की है वही हमारे पास इस टू वाले की है, सही। तो यहाँ से फिर उसने क्या कर दिया, एक्स पावर टू लिख दिया इसको, ये कंबाइन करने के लिए ना, क्योंकि जनरलाइज फॉर्म में लिखना है इसने, तो यही टर्म से हमें पता चल जाएगा ये कि हमारे पास जनरल टर्म कौन से बनेंगे इसके। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, फैक्टोरियल आ रहा है और ये सारे मिल मिला के हमारे पास ये क्या बन रहा है, गेमा फंक्शन ऑफ n + n + 1, ठीक हो गया। इसे नंबर 6 दे दिया, कहता है दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल पॉजिटिव x। तो x को उसने क्या करके यहाँ पे कंबाइन किया, वो कंसिडर किया है, x सारे कैसे होने चाहिए आपके, पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव वाला क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ से हमारी सीरीज ही वहाँ से हो रही है स्टार्ट, जहाँ से हमारे पास जो है ये ए नॉट, मतलब नेगेटिव वाले तो आ ही नहीं रहे ना, एक्स पावर एन आ रही है, एन प्लस टू आ रही है, और हम लोगों ने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, बीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव एन ही लिया हुआ है ये वाला केस। तो जब हम इसको माइनस एन से रिप्लेस कर देंगे फिर हम कहेंगे दिस सीरीज होल्ड फॉर ऑल नेगेटिव एन, नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो ये किस रीजन की बेस पे उसने कही है, बिकॉज आपकी जो एक्स की सारी पावर्स आ रही हैं वो पॉजिटिव थी, इसके अलावा जो एम ले रहे हो वो भी पॉजिटिव है, सही। अच्छा अब आपके पास जो फर्स्ट काइंड वाला था जिसको हम लोगों ने कहते हैं द फंक्शन डिफाइंड बाय द फाइनाइट सीरीज 6 आर नोन एज द बेसल फंक्शंस ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन क्यों कहा वाला उसने इसको, ये बीटा ने इसको डिफाइन किया, बीटा इज इक्वल टू एन लिया था ना आप लोगों ने यहाँ पे इसको, तो ये बीटा इज इक्वल टू एन है। तो ये जो आप सीरीज आप देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सीरीज क्या हो रही है, एन, फिर एन के बाद एन प्लस टू, एन प्लस फोर, अब सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो ऑर्डर एन जो है वो यहाँ पे उसने कह दिया है कि ये ऑर्डर एन की है सीरीज ना। तो यहाँ से कहता है इस वजह से हम कहते हैं कि वो बेसल डिफरेंशियल ऑर्डर है ना, कहते हैं एंड आर डिनोटेड बाय जे एन ऑफ एक्स। तो वाई वन जो है एक्चुअली आपके पास क्या बन गया, जे एन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, बस उसने ये सिक्स वाली को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, समेशन m इज इक्वल टू 0 से इनफिनिटी माइनस 1 की पावर m x बाय 2 n प्लस 2 m एम फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n प्लस n प्लस 1 7 इसको कहते हैं। कहते इन द स्पेशल केस व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर और 0 देन गामा फंक्शन ऑफ n प्लस m प्लस 1 किसके बराबर होता है, उसकी एक लेस फैक्टोरियल की, जैसे देखा ना आपने क्या था n प्लस 1 का गामा फंक्शन, तो किसके फैक्टोरियल की इक्वल था, n के फैक्टोरियल की इक्वल था, ये प्रूफ भी किया हुआ है ना आप लोगों ने,
वो कहते हैं कि हम यहाँ से गैमा फंक्शन ऑफ एन प्लस एम प्लस वन को रिप्लेस कर देंगे अगर ये इंटीजर हो जाएगा तो फैक्टोरियल के साथ, तो फैक्टोरियल कहाँ तक आएगा आपका एक ऑर्डर लेस तक ना, जितना ये लिखा हुआ है उसे एक लेस टर्म तक आ गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा एम एन प्लस एम का फैक्टोरियल, ठीक है, इसका नंबर एट उसने कह दिया। अच्छा फिर कहते हैं कि एस2 कहते हैं व्हेन, अब देखो आपके पास दो उसके रूट्स आए थे इनिशियल इक्वेशन में, बीटा की कितनी वैल्यूज आई थी, दो, एक बीटा इज इक्वल टू एन और एक बीटा इज इक्वल टू माइनस एन, ऐसे ही आई थी ना, तो एन के लिए हमने प्रूफ कर दिया है जो सारा ये डिटेल्स हम लोगों ने रेफरेंस फार्मूला बना के उसमें ए नॉट की वैल्यू निकाल ली, फिर हम मतलब हम लोगों ने ए नॉट की बेस पे ये सारी सीरीज निकाल ली, टर्म निकाल ली, a1, a2, a3, a4 की वैल्यू निकाल के हमने तो जो साइमन और नाइन है वो क्या हो जाती है, आइडेंटिकल, ऐसे हो जाती है, आइडेंटिकली हो जाती है, फर्क कहाँ पे पड़ेगा, जब एन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा उस सिचुएशन में पड़ेगा, सही है। तो अब देखो एन इज इक्वल टू जीरो पुट करती हो तो ये सीरीज क्या हो जाती है आपकी, दोनों बराबर, सेवन एंड नाइन की अगर सीरीज का हो, ठीक है। अच्छा अब वो कहता है कि अगर एन नेगेटिव हो जाता है तो सेवन फेल हो जाती है और जस्ट नाइन वाली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और अगर एन पॉजिटिव हो जाता है तो कहता है नाइन वाली फेल हो जाती है और सिर्फ सेवन एग्जिस्ट करती है। एट ए टाइम से मतलब क्या हुआ, जीरो के अलावा ना, एट ए टाइम इन दोनों सीरीज के बारे में फिर क्या है आपको पता चला, मतलब आपकी जो है ये एट ए टाइम ए की सीरीज वैल्यूड होगी, अगर एन पॉजिटिव है तो सेवन वाली वैल्यूड होगी और नाइन वाली फेल हो जाएगी, और अगर आप लोगों का एन नेगेटिव आ जाता है तो सेवन वाली फेल हो जाएगी और जस्ट नाइन वाली एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, इसको तुम लोगों ने ना ओपन करके जा, दो तीन टर्म्स जो ऊपर ओपन करके लिखी हुई है ना, इसको ना पुट करके देख लेना, एन को नेगेटिव पुट करना तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ क्या रह जाएगा, मतलब नेगेटिव से मुराद की वैल्यू ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनस वन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ माइनस वन प्लस वन क्या रह जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ जीरो, तो गामा फंक्शन ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज नहीं हो जाती, क्लास क्या हो गया तुम लोगों को, तुम पढ़ते रहे तुम लोग, ये देखो क्या लिखा हुआ है, तो अगर एक टर्म इन्फिनिटी आ गई तो उसके अंदर जितने मर्जी प्लस माइनस करते रहो तो वो क्या बन जाएगी सीरीज, वो डाइवर्ज ही रहेगी, ठीक है। अगर सपोज दैट आप एन इज इक्वल टू माइनस टू पुट कर लेते हो, सही, तो यहाँ से देखो पहली टर्म पे ही डाइवर्ज कर दी, इसके अंदर नंबर जी प्लस माइनस करते रहो डाइवर्ज, फिर माइनस थ्री पुट करो, माइनस फोर पुट करो, नेगेटिव सुमराज ये है, ये नहीं कि माइनस एन पुट कर दो कहो कि मैडम ये तो हमें नजर ही नहीं आ रहा कि आंसर आया, नेगेटिव सुमराज ये है कि कुछ आपने वैल्यूज पुट करके देख लेंगे, सही है ना, देखो ये इसके अंदर खुद ही आप लोगों ने पुट किया वैल्यूज तो आपको नजर आ रहा है कि ये आपको डाइवर्ज कर रही है। इसी तरह से जो ये वाली सीरीज है इसको भी ओपन कर लेना है आप लोगों ने, जिससे ऊपर लिखा है ना ये माइनस, ये तो है ना एन प्लस वन, तो जो नेगेटिव वाली सीरीज है एक्चुअली आपको किस तरह से नजर आएगी, x की पावर माइनस एन गामा फंक्शन ऑफ माइनस एन प्लस वन, x की पावर माइनस एन प्लस टू गामा फंक्शन, यहाँ पे आपको नजर आएगा माइनस एन प्लस वन और यहाँ से नजर आएगा गामा फंक्शन ऑफ माइनस एन प्लस वन, ठीक है ना। तो इसके अंदर फिर आप लोगों ने जब पॉजिटिव नंबर रखे हैं तो फिर यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, नेगेटिव के लिए तो आप यहाँ से निकल आएंगे ना, लेकिन जब पॉजिटिव वैल्यू रखते जाओगे तो फिर आपके पास कैसे वैल्यू आती जाएंगे, ये जीरो जीरो बन जाएंगे, ठीक है। इसको एक दो स्टेप खोल के खुद देख लेना, जो बच्चों वाली चीज़ें हैं ये मैं आपके यहाँ देने लगे। अब आप ये एमसीक्यू बन गया कि एट ए टाइम एक सीरीज एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अब मुझे बताओ कि ये जो तुम्हारी बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका ऑर्डर क्या था, डेरिवेटिव की लिहाज से टू ऑर्डर की थी, सॉल्यूशन तुम्हारा एक निकला, एक ही सॉल्यूशन निकला ना,
जी मैम मतलब आपने उसने दो नंबरिंग तो कर दी है y1 y2 मतलब y1 को j यानी x कह दिया y2 को j माइनस n कह दिया लेकिन जब वो खुद डिस्कशन करने जा रहा है वो कहता है कि जब हमारे नेगेटिव इंटीजर आ जाते हैं तो एक सीरीज में से कोई ना कोई फेल हो जाती है उसकी डिस्कशन कर दी नेगेटिव के लिए आपकी ये फेल हो जाती है और पॉजिटिव के लिए ये फेल हो जाती है तो इसका मतलब एट अ टाइम आपकी एक ही सीरीज एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब ये दोनों सोल्यूशन एक ही है ना जी मैम उसने जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया एक्चुअली ये एक ही सलूशन आ पाया तो अब ये डिग्री तो इसकी 2 थी सॉरी ऑर्डर तो इसका 2 था तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक और सलूशन भी होना चाहिए एक और सलूशन भी होना चाहिए वो क्या है वो आगे उसकी डिस्कशन है लेकिन पहले जस्ट उसने अब क्या कर दिया उसने ईमानदारी के साथ ना दोनों सलूशन पे लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में ठीक है वो कहता है 10 बाय 9 इज नॉट इक्वल टू 0 1 2 3 मतलब इंटीजर्स के लिए वो कहता है कि हम नहीं कर सकते ना इंटीजर्स के लिए तो आप लोगों ने खुद देख लिया ना अगर पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है तो हमारे पास जो है ये फेल हो जाती है ये एग्जिस्ट करती है अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारे पास जो है क्या है ये हमारी पॉजिटिव के लिए ये जे एन एग्जिस्ट करती है और नेगेटिव बस है कुछ नहीं है इसमें इतना कोई मुश्किल तो जस्ट देखो आप लोगों ने क्या किया j माइनस n से स्टार्ट किया ये j माइनस n वाला फार्मूला आपने लगाया ठीक है अच्छा फिर आपने क्या किया इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया ओपन कैसे किया आपने m = 0 से लेके n - 1 तक ओपन कर लिया फिर कहां से ओपन किया n से लेके इंफिनिटी तक ठीक है दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया याद रखना मुझे कहते हैं कि नो सिंस गामा फंक्शन ऑफ माइनस एन प्लस एम प्लस वन इज इनफिनिट फॉर एम इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन वो कहते हैं जे वाली जो सीरीज है ये जीरो बन रही है देखो कैसे जीरो बन रही है आप इसको ओपन करो एक टर्म के लिए जब आप लोगों ने इसको एम इज इक्वल टू जीरो के लिए ओपन किया तो ये क्या बन रही है जीरो का फैक्टोरियल ठीक है फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ गया माइनस वन की पावर जीरो वन आ गई ये जीरो का फैक्टोरियल वन आ गया अब यहाँ पे एक्स बाय टू की पावर माइनस एन प्लस टू एम मतलब ये एम तो जीरो ही है ना पहले जब आप लोगों ने एम इज इक्वल टू जीरो के लिए अच्छा तो n माइनस वन जस्ट पुट करके देख लेते हैं क्या बनता है आखिरी टर्म को पुट करके देख लेते हैं देखो जरा यहाँ पुट करो m की जगह पुट करो माइनस n सॉरी n माइनस वन तो ये क्या रह गया आपके पास ना मेरा कर्सर है ये क्या रह गया माइनस n प्लस टू गामा फंक्शन ऑफ जीरो नहीं रह गया मैंने कहा इसमें अंदर m की जगह पे पुट करो n माइनस वन माइनस एन तो ऑलरेडी है जी मैम गामा ऑफ जीरो गामा ऑफ जीरो आ जाएगा तो गामा ऑफ जीरो क्या होता है अनडिफाइंड अनडिफाइंड ठीक है तो वो खत्म हो गया वो सीधे जो कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करते इसलिए कहने का मतलब ये ठीक हो गया तो अब हम इसकी जो है वो डिस्कशन करेंगे नहीं इतनी वाले पार्ट की डिस्कशन नहीं करेंगे तो कितने वाले पार्ट की अगली डिस्कशन करने जा रहा है जस्ट ये जो प्लस के साथ लगे ठीक है तो कहते हैं लेटिंग अब उसने क्या किया अब आपके पास देखो सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है m इज इक्वल टू n से ये से स्टार्ट हो रही है ना तो आप इसको कह सकते हो ना कि m माइनस n इज इक्वल टू जीरो यहाँ मेरा कर्सर है आप इसको कह सकते हो ना m माइनस n इज इक्वल टू जीरो यहाँ तक समझ आ गई बात अगर मैं इसको कहूँ तो जी मैम ठीक कह सकते हैं अच्छा अब उसने क्या किया उसने लेट किया m इज इक्वल टू n प्लस टू ठीक है सेकंड सीरीज में कहता है पुट करें तो जब देखो n m को n प्लस k पुट किया यहाँ पे तो ये क्या फिर k कहाँ से स्टार्ट होगा अब आपका इसमें उसने नया कौन सा वाला जो है वो पैरामीटर ऐड किया फैक्टर कौन सा कौन सा नया ऐड करा है वहाँ जब m इज इक्वल टू n प्लस k का क्या बस k का है इसका मतलब है हमारी ये सीरीज k की फॉर्म में बनेगी
ठीक है। तो जब ये आपका स्टार्ट हो रही है m is equal to n, तो आप जब लगा रहे हो m is equal to n plus k, तो फिर k कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? जीरो से। जीरो से कैसे स्टार्ट होगा? ये प्लस में जीरो से स्टार्ट कैसे किया? सर जीरो से स्टार्ट कैसे हुआ बताइए? तो एम माइनस एम जीरो इक्वल था और उन्होंने जीरो को के लिया था। तो अच्छा, यहाँ पे जो है वो क्या था, m माइनस एन इज इक्वल टू जीरो था, ऐसे ही था ना? यहाँ पे देखो, जिस शहर ने बताया m माइनस एन इज इक्वल टू जीरो था, तो जब आपने यहाँ से m माइनस एन लिया इज इक्वल टू जीरो, तो फिर वो k कहाँ से स्टार्ट हो गया आपका? जीरो हो गया, क्योंकि बच्चों समेशन में ऐसे जीरो स्टार्ट हो गया ये, और ये इन्फिनिटी के अंदर तो कुछ भी प्लस माइनस प्रो इन्फिनिटी रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वन की पावर m था ना, तो उसकी पावर अब क्या आ गई, एन प्लस। इसी तरह से x बाय टू की पावर माइनस एन था, प्लस टू टाइम्स जो है वो आपके पास कैसे आ जाएगा, ये टू टाइम्स एन प्लस टू टाइम्स के। तो जब इस माइनस एन के अंदर टू एन हो जाएगा तो क्या रह जाएगा आपका, पॉजिटिव एन रह जाएगा और टू के हो जाएगा। इस तरह से नीचे एम फैक्टोरियल कैसे आ जाएगा आपका, एन प्लस के का फैक्टोरियल। और ये जो गामा फंक्शन है, इसमें जब आप एम इज इक्वल टू एन प्लस के करोगे तो आपका एन तो खत्म हो जाएगा, तो जस्ट क्या रह जाएगा, के प्लस वन रहेगा। तो अब उसने क्या किया, वो गामा फंक्शन को कन्वर्ट करने जा रहा है फैक्टोरियल में, और ये जो आपका फैक्टोरियल है इसको गामा फंक्शन की फॉर्म में लिखने जा रहा है। अगला स्टेप ये किया, और इसके अलावा उसने जो माइनस वन की पावर एन प्लस की है उसमें से एक जो आपके पास थी पावर उसको ब्रेक कर लिया। तो चूंकि ये सीरीज अब किसकी फॉर्म में चल रही है, के की फॉर्म में, तो इसमें जो एन वाली टर्म है वो आपकी तो बाहर आ गई है। इस माइनस वन की पावर जो एन प्लस के थी ना, इसमें माइनस वन की पावर एन बाहर आ गई, माइनस वन की पावर के रह गई, एक्स बाय टू की पावर क्या रह गई, एन प्लस टू के। और ये वाला जो एन प्लस के है, आप अगर फैक्टोरियल है, अगर मैं इसको गामा फंक्शन की फॉर्म में लिखूंगी तो भला कैसे लिखा जाएगा, ये गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस के प्लस वन। और जो ये गामा फंक्शन ऑफ के प्लस वन है, अगर मैंने इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना हो तो ये कैसे लिखा जाएगा, एक पीछे वाले, ठीक है ना, के फैक्टोरियल आ गया। तो अगर आप इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है। देखो अगर आपकी एम से स्टार्ट हो गई थी तो फिर भी हमने इसको जे एन कह दिया था। तो क्या चीज़ है जो आइडेंटिफाई करती है कि ये जे एन है कि जे एम है, कौन चीज डिफाइन करती है? इस एक्स बाय टू की पावर में ये एन, ये वाला, और जो ये वाला एन है, n of x is a constant multiple of jn of x. Thus, jn of x and j minus n of x are linearly dependent. And so, उसने क्या किया? ये जो आप बुकिंग ऊपर सुनिश्चित इस तरह से लिखा है ना, ये वाला, इसके अंदर वो क्या करने जा रहा है? वो यहाँ पे उसने ये jn of x लिखा, फिर उसने क्या किया? जो j minus n of x है, उसको भी लिख दिया minus one की power n jn of x. इन दोनों में से क्या constant आ रहा है? Common आ रहा है थोड़ी आपका? jn of x common आ रहा है. तो जो अंदर बना है a प्लस बी पावर माइनस एन, ये कॉन्स्टेंट है, इसका नाम क्या रख दिया, सी। सी रख दिया ना, जैसे अभी हमने डिस्कशन की थी कि वो तो हमारे पास जो है वो सिंपल एक ही फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सेकंड सॉल्यूशन भी इसका आना चाहिए, बिकॉज इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, टू। कहता है वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, हेंस y cannot be the general solution of Bessel's equation since it contains only one arbitrary. That to obtain the general solution in this case, the function jn of x and j minus n of x
which are called Bessel functions of the first kind are not sufficient and therefore Bessel functions of the second kind are introduced. अब वो कहने जा रहा है Bessel function of second kind. अब Bessel function of second kind की उसने क्या किया? We know that when it's not equal to 0, 1, 2, 3, the general solution of Bessel's differential equation is this. ये linear combination formula दिया कहता है taking the arbitrary constant c and b as ये a जो a and b है ये Bessel ने ही introduce करवाया था बल्कि Bessel के बाद फिर जो है वो एक Newman भी mathematician था जिसने कुछ मेडिटेशन की थी कि ये तो हमारे रियल नंबर के एग्जिस्ट करते हैं इंटीजर के एग्जिस्ट नहीं करता फिर उसने यहां उसने वहां पे इसको लोकल रूल की फॉर्म में लिखा हुआ है ठीक है लेकिन पहले जस्ट इसको याद रखो ये उसने क्या लिया कांस्टेंट प्लस c2 cos n पाई बाय sin n पाई लिखा और b उसने क्या लिया माइनस c2 ओवर sin n पाई इन दोनों के वैल्यूज को a और b की वैल्यू का अपने रिमेंबर करना याद रखना ठीक है ये कैसे वैल्यूज ये वैल्यूज लेके उसने यहां बस इसकी वैल्यू को प्लग इन किया तो ये जो सीरीज आपके पास बनी है सी वन जी एन ऑफ एक्स प्लस सी टू ये जो सेकंड जहाँ मेरा कर्सर है इसका नाम उसने क्या रख दिया वाई एन क्या रख दिया इसका नाम वाई एन ऑफ एक्स तो वाई एन ऑफ एक्स एक्चुअली क्या होता है आपका जी एन ऑफ एक्स कॉस एन पाई माइनस जे माइनस एन ऑफ एक्स ओवर साइन एन पाई इसका नाम क्या है वाई एन ऑफ एक्स व्हेन एन इज नॉट इक्वल टू जीरो वन तो ये जो वाई एन है इसका नाम क्या है बेसल फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर एन ठीक है तो ये वाई एन ऑफ एक्स तो आप देखो अगर मेरे पास ये इंटीजर हो जाते हैं तो शहर ये क्या बन जाएगा इसको देखो वाई एन को अगर एन जो है वो हमारे पास इंटीजर आ जाते हैं तो ये क्या बन जाएगी मैम पहले ये बता दें कि हमने ऊपर इनको कैपेसिटी की लेना है ए को यही लेना है हर दफा और बी को यही 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 वो आपने मैम वो बेसल ने जब इसका सलूशन निकाला ना बेसल का सलूशन इसीलिए तो प्रेफरेबल है तो उसने पहले तो वो सीरीज फॉर्म में आपका सलूशन निकाला वो जो सीरीज अभी आप लोगों ने जे एन की फॉर्म में फिर उसके बाद उसने देखा कि जब मैं तो इसको कुछ एमेंडेशन कर रहा हूँ तो ये तो एक ही सोल्यूशन बन रहा है देखा ना जो डिस्कशन की आप लोगों ने कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए वो आपकी एक सीरीज एग्जिस्ट कर रही है और दूसरी सीरीज के लिए दूसरी सीरीज एग्जिस्ट कर रही है तो फिर उसने क्या किया उसने कहा कि इसका मतलब यह है कि कोई और सीरीज भी आपकी रिक्वायर्ड है उसके लिए फिर उसने ये सेकेंड सीरीज को निकाला तो ये बेसल ने सारे कॉन्स्टेंट निकाले हैं तो ये कैसे निकाले ये फॉर्मूला आपका आधे घंटे में या एक मिनट में नहीं बन उसने इसके लिए बहुत सालों लगाए हुए और सालों आपने इयर्स के बाद ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टेंट उसने कहा कि सबसे जो बेहतरीन वैल्यू है यही हमारे पास जो है ये वैल्यू एग्जिस्ट कर ठीक है क्योंकि जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो जस्ट हम उसका सोल्यूशन ही निकालते हैं हम सारे पॉसिबल फॉर्म्स देखते हैं फिर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि किस किस वैल्यू के लिए सोल्यूशन हमारा ठीक है तो ये बेसल ने इंट्रोड्यूस किए थे दोनों कॉन्स्टेंट्स ठीक है सर जी मैम सही हो गया बच्चों तो ये वाई एन ऑफ एक्स अब समझ आ गई ना कि मतलब ये वैल्यू आपने एज इट इज लेनी है और भी अच्छा अब यहाँ पे मुझे बताओ जब एन इंटीजर हो जाता है तो ये क्या बन जाता है ये क्लास अगर खत्म होंगे दोबारा ज्वाइन करना प्लीज ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाती है नहीं बनती जीरो बाय जीरो फॉर्म देखो जरा कैसे जीरो बाय जीरो फॉर्म बनती है कॉस एन पाई क्या होता है आपका कॉस एन पाई क्या होता है माइनस वन की पावर एन नहीं माइनस वन की पावर एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन की पावर एन जी एन ऑफ एक्स को एज इज ले लो माइनस एन पहले फॉर्मूले का है यहाँ पे जे माइनस एन ऑफ एक्स किसके बराबर आया अभी आपने प्रूव किया जब इंटीजर नहीं जब ये इंटीजर है तो सॉरी इंटीजर नहीं था तो क्या पास आया ना माइनस वन की पावर एन जी एन ऑफ एक्स आया ना ये क्या हो गई आपके पास जीरो बाय और ठीक है बस इन दोनों में फर्क क्या है
पी का फर्क क्या और लिमिट आ गया, मतलब लिमिटिंग का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे अपनी लॉजिकल रूल लगा रहे हैं। ओके क्लास वेलकम बैक। हेलो आवाज आ रही? जी मैम। अच्छा तो ये जो है देखो जरूरी नहीं है कि बेसल सारे काम करते जाता है, हो सकता है उसके माइंड में ये हो कि ये सीरीज जो उसने बनाई है वाई एन ऑफ एक्स वाली जिसको उसने बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड कहा, हो सकता है उसके माइंड में ये हो कि ये सिर्फ हमारी तब एग्जिस्ट कर रही है जब एन इंटीजर नहीं है, मतलब बाकी सारे आपके जो जो रियल नंबर है उनकी एग्जिस्ट कर रही है इंटीजर्स को निकाल के, लेकिन अभी उसने पब्लिश नहीं किया था ये काम आपने, ठीक है, हो सकता है उसके माइंड में ये बात आई ना हो, तो इस बात को फिर किसने हाईलाइट किया? न्यूमन ने, सही है। तो ये जो लॉजिकल रूल वाली बात है जिसको डिस्कशन उसने किया दो पार्ट्स में, ये किसने डिस्कस किया था? एक जनरल मैथमेटिशियन था सी न्यूमैन। तो अब उसने जो है वो काफ़ी देर बाद बेसल की काफ़ी देर बाद जो है वो उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था कि जब हमारे पास जो है ये इंटीजर आ जाता है देन हमारे पास सीरीज क्या बनती है, सेकेंड काइंड फॉर्म क्या बनती है, अगर इंटीजर नहीं आता है तो देन हमारे पास जो है ये फॉर्म कैसे बनता है, ठीक है। बेसल ने इसको सबसे पहले सिंपल इंट्रोड्यूस करवा दिया था तो वाई एन एस सेकेंड फंक्शन भी है और सेकेंड फंक्शन को उसने फॉर्म में कॉज और साइन की फॉर्म में, तो कॉज और साइन की फॉर्म में लिखने की रीजन क्या हो सकती है उसके बैकग्राउंड में? आपने आप पता है कि जो कॉज और साइन है इनकी अपनी भी सीरीज होती है, दोनों सीरीज होती है ना, किस फॉर्म में आप क्या करते हैं पावर सीरीज में आप लोगों को थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, ठीक है। वो कॉज सीरीज वन से स्टार्ट होती है, वन एक्स स्क्वायर बाय टू ट्यूटोरियल एक्स फोर बाय फोर ट्यूटोरियल, साइन की सीरीज एक्स से स्टार्ट होती है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू ट्यूटोरियल, ठीक है ना। अब दूसरा क्योंकि साइन और कॉस की जो सीरीज हैं वो हमारी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं जब हम लोग किसी भी पॉलीनोमियल की स्थिति कर रहे हैं, चाहे वो पॉलीनोमियल हमारे पास सिंपल पॉलीनोमियल हो चाहे वो हमारे पास जो है वो की सीरीज पॉलीनोमियल, मतलब जैसे हम लोग पॉलीनोमियल को जैसे ये बेसल सीरीज हमने बन रही है, बेसल फंक्शन बन रही है, एलेक्जेंडर फंक्शन बन रही है, तो तकरीबन जितनी भी हमारी सीरीज होती हैं इसके अंदर हमेशा साइन और कॉस की डिस्कशन करते हैं। अगली बाकी जो रेशो सारी हैं जैसे टेंजेंट है कोटेंजेंट है सेकेंट है सेकेंट है इन सारों की जो रेशोज हैं वो आपके साइन एंड कॉस बेस पे आती है, इनकी आपस में रेशो से आती है, तो वन बाय साइन है तो आपके पास कोई सीकेंट होती है, वन बाय कॉस सीकेंट होती है, या इन दोनों के आपस में रेशो जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो बताती है ठीक है। तो बेसिक्स क्या है हमारे पास जो मल्टी फंक्शन है साइन है वो साइन है, ये सारी जो सीरीज जो फंक्शन है अभी यहाँ तक कि सारे के सारे किसने डिफाइन किया है कॉन्स्टेंट की वैल्यू ए नॉट के साथ, और ये वाई एन की वैल्यू किसने डिफाइन किया यहाँ तक वैल्यूज को? बेसल ने, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, हालांकि बेसल ने ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं इंट्रोड्यूस किया, इसको बेसल ने सिर्फ सॉल्यूशन पेश किया है, अभी तक इसका सॉल्यूशन ये वैलिड है, ठीक है। इसके अंदर हल्की फुल्की इन्वेंटेशन तो है, जैसे उन्होंने के बारे में बता दिया कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो किसके एग्जिस्ट कर रही है, मतलब उन्होंने क्या है कि हाँ हमारे पास लग कर रही है उसको बता दिया, ठीक है ना। अदरवाइज अभी तक जो है वो बेसल के काम को एक्नॉलेज किया जाता है, ठीक। अच्छा आगे जो है वो हमारे पास क्या जाते हैं उसे यहाँ तक लिखने के बाद आगे कहते हैं कि जनरल सोल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कहते हैं द जनरल सोल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन कैन देन बी रिटन एज y = c1, पहला फंक्शन आ गया gn of x आ गया प्लस c2 y n of x, ठीक है, व्हेन n इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो सब क्यों कहता है कि ये आपका होल करता है, ठीक है। तो जब ये हमारा रियल नंबर हो जाएगा मतलब इंटीजर्स को निकाल के, तो उसके लिए फिर हमारे पास सिंपल सीरीज ये वाली आ जाएंगी, अगर हमारे पास ये इंटीजर्स हो जाएंगे तो देन हम लोग ने यहाँ पे लॉपिटल रूल लगा के तो ये सीरीज को देख लेंगे, सही बच्चों सिक्स में लगे यस और नो? मैंने कहा अगर n इंटीजर हो जाता है देन हम लोगों ने y n की ये वाली वैल्यू लगा लेनी जहाँ मेरा कर्सर है, अगर हमारे पास n जो है वो नॉट इक्वल टू 0 1 2 3 है तो हम लोगों ने ये वाली सीरीज लगा ली, ठीक है, पहले वाली तो y n की वो वाली वैल्यू, जी n तो दोनों केसेस में सेम है ना, बस उसमें उसने फैक्टोरियल का चेंज किया हुआ है, सही। तो अब ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन एक लिख दिया उसका, अब ये सेकंड जो थ्योरम 11.4
तो जे पी ऑफ एक्स अगर मैं यहाँ पे एज इट इज रखती हूँ, कॉस पी पाई का डेरिवेटिव क्या आ जाता है आपका, माइनस साइन पी पाई। और अब आपका ये डेरिवेटिव किसके लिए हासिल आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू, लिख लो यहाँ पे अपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी। बात फॉलो की बच्चों, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एन नहीं है, सॉरी एक्स नहीं है, ये डिफरेंशिएट किसके लिए हासिल है, विद रिस्पेक्ट टू पी। मतलब आपने याद कैसे रखना है लोपिटल रूल को अप्लाई करते हुए, जो ये वाला आप लोगों ने इसके अंदर प्लग इन किया है ना कॉन्स्टेंट, ये वाला, इसके लिए हासिल डिफरेंशिएशन होगी। ये यहाँ कर्सर मेरा नजर आ रहा है जी मैम, हाँ तो आपने आपने इसके अंदर p रिप्लेस किया है तो p के लिए आसे डिफरेंशिएशन होगी। तो देखो p के आसे डिफरेंशिएशन कैसे होगी, cos p पाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, sin माइनस sin p पाई, और p पाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, p के लिए आसे पाई, वो पाई बाहर आ जाएगा, ये p एज इट इज आ गया, फिर प्लस cos p पाई एज इट इज आ गया, और ये जो jp है इसका डेरिवेटिव p के लिए आसे यहां पे आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह से ये क्या हो गया आपके पास, माइनस j माइनस p बाई पार्शियल p, और ओवर कैसे होगा, साइन पी पाई का क्या हो जाएगा, कॉस पी पाई, और पी पाई का डेरिवेटिव पाई आ गया यहाँ पे, और ये किसके ऊपर है, एट पी इज इक्वल टू एन, ठीक है, जब लिमिट उसने खत्म की है। तो जहाँ जहाँ पे भी पी है वहाँ वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन एन पाई। तो साइन एन पाई क्या होता है आपका, जीरो, ऐसे है ना, जीरो हो जाएगा, और कॉस एन पाई कितना होता है आपका, माइनस वन की पावर एन, ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस वन की पावर एन पार्शियल जे पी बाय पार्शियल पी की जगह पे, सॉरी एन आ जाएगा, पार्शियल जे एन बाय पार्शियल एन आ जाएगा, माइनस पार्शियल जे माइनस एन ओवर पार्शियल एन आ जाएगा, और ओवर क्या हो जाएगा, पाई कॉस पी पाई क्या हो जाएगा, ये ना आपका माइनस वन की पावर एन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, जस्ट उसने जो वैल्यू लगाई है पी की इक्वल टू एन वाली, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ से अब उसने वन बाय पाई जो है वो बाहर निकाल लिया, और ये जो माइनस वन की पावर एन है उसको भी साथ डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से माइनस वन की पावर एन जो फर्स्ट टर्म है उसका माइनस वन की पावर एन के साथ कैंसिलेशन हो गई ना, और माइनस के साथ जो है वो माइनस वन की पावर माइनस एन हो गई, मतलब उसको उठा के ऊपर ले गया ना, माइनस वन की पावर एन, इसको नंबर वन कर दिया। अच्छा, वो कहता है कि अब यहाँ पे क्या कर लेना है, आप लोगों ने रिप्लेस कर लेना है एन बाय माइनस एन, इसके अंदर ये जो नंबर वन है यहाँ जहाँ पे आपके पास एन आ रहा है वहाँ पे उसने कहा माइनस एन कर लें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे फिर क्या हो गया, वाई की y का इंडेक्स माइनस एन ऑफ एक्स, इधर हो गया 1 बाय पाई, इधर क्या हो गया पार्शियल j माइनस एन ओवर पार्शियल माइनस एन, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन पहले ही था, और माइनस वन की पावर अब क्या हो गई, पॉजिटिव n हो गई, इधर हो गया पार्शियल j n ओवर पार्शियल माइनस एन, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखो अगले वाले स्टेप में, ये जो आपका पार्शियल ये माइनस एन है वो कहाँ पे चला गया आपका, शुरू में, अगर मैं कहती हूँ कि मैं डेरिवेटिव x के लिए हासिल ले रही हूँ तो सही बात है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ माइनस x के लिए हासिल ले रही हूँ तो उसके साथ क्या साइन आ जाएगा आपका, नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो यहाँ से उसने क्या कर दिया, इसका नेगेटिव साइन को शुरू में ले गया हुआ है, इसी तरह से इसके नेगेटिव साइन को जब वो शुरू में लेके जाएगा तो यहाँ दरमियान में क्या साइन आ जाएगा, प्लस, प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्लस का साइन है उसने क्या कर दिया, इसको अब इसको शुरू में लिख दिया, ये वाला जो साइन है ये उसको शुरू में लिख दिया है और इसके बाद में लिख दिया, इसके अलावा उसने काम क्या किया, माइनस वन की पावर एन को यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अच्छा, माइनस वन की पावर एन सेकंड टर्म के साथ तो आ रहा है, प्लस वाले टर्म के साथ तो आ रहा है, क्या वो फर्स्ट टर्म के साथ आ रहा है, नो मैम, नहीं आ रहा, तो उसके साथ फिर क्या आ जाएगा, माइनस वन की पावर माइनस एन, माइनस एन, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से देखो आपके पास जो है ये माइनस वन की पावर एन, इस पाई को अगर उठा के मैं इसके बटे में ले जाती हूँ, डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ, तो ये वही नहीं बन जाएगी जो आपके पास ये नंबर वन वाली है, आपने इस एक्सप्रेशन को याद रखना है, माइंड में रखना है, प्रूफ भी आना चाहिए आपको इसका, आपने क्या करना है अपनी, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप लोगों ने इसको जो है वो नोट करना है प्रूफ करने के लिए ना, तो फिर आपने खुद इसको हाथ से करके देखना है, इसमें छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन जब हम हाथ से करके देखते हैं तो हमारा गलत हो जाता है अक्सर, वो क्यों गलत होता है, तो ये कंसेप्ट उसने यूज़ किया, ये जो पार्शियल ऑफ माइनस एन वाला यूज़ किया कंसेप्ट, ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, इसके अलावा छोटे छोटे स्टेप्स हैं जहाँ पे वो कहीं कॉमन ले रहा है और कहीं पे उनको मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं ना, तो ये आप लोग देख लेना, बाकी अगले वाला काम इंशाल्लाह हम कल करेंगे, कल आपकी क्लास ना 9 बजे वाली नहीं है, 9 to 10 आप लोगों ने कहा था कि हमें ना लिया करें ट्यूजडे को, तो वेडनेसडे को फिर 10 to 11 है जो एक्स्ट्रा क्लास हमने रखी हुई है ना, एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है लेकिन ये है कि हमने फ्राइडे वाली क्लास की जो एडजस्टमेंट की हुई है जी मैम, सही है। तो अब आपकी कल क्लास होगी मेरे साथ इंशाल्लाह 1 से 2, फिर आपकी बैलेंस चेक होगी 10 से 11 और फिर 12 से 1, ठीक हो गया, ओके मैम,
तो और की बात पूछनी हो आज के लेक्चर के बारे में या पीछे से कोई लेक्चर का कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो? उसामा आगे क्लास में नहीं, आज उसामा मेरा ख्याल एब्सेंट है। चलो देख लेना स्कूल भी बता देना जो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, फिर मेरा ख्याल है पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने तेजी से खत्म किया था तो वो लास्ट में कुछ पॉइंट्स रह गए थे। मेरा ख्याल है कि वो हमारे डिस्कस हो गए हैं। सही है, तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।